Yes. Today we are going to start our chapter number 1, knowing your numbers, है ना, knowing your numbers. तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसमें नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बड़ी बड़ी डिजिट्स के बारे में पढ़ने, न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने तो फिफ्थ क्लास में तो पढ़ा था ना अपने डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, हैं? छोटा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं अपन. अच्छा अच्छा सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर. क्या हुआ था नेचुरल नंबर? 1 पढ़ा. हाँ एक मिनट है बेटा. यस, 1 पढ़ा, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके साथ एक और हमने पढ़ा था 0. अगर ये जो है ये मिलाकर जो है डिजिट्स हैं, ठीक है ना, कितना भी हम लोग जो कुछ लिखते हैं अगर मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स में, तो ये डिजिट है, इसी से सब कुछ बनाना है. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो जरा अपन पढ़ लेते हैं आज फटाफट. तो आ जाओ, काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस नाउ. वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, और रिप्रेजेंट देम फ्रॉम न्यूमेरल्स. ठीक है, अब हम थोड़ा लार्ज क्वांटिटी के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमारे को जब 1000 ईयर अगो पीपल नॉ न्यू अबाउट ओनली स्मॉल नंबर्स, ग्रेजुअली दे लर्न्ड हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर्स. तो अब हम बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े न्यूमेरल्स पढ़ने वाले हैं. तो जरा सीधे यहाँ आ जाओ, यहाँ पर. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपेयरिंग नंबर्स. नंबर्स को कंपेयर करना है. कंपेयर करने का मतलब कौन सा तो छोटा है और कौन सा बड़ा है. Which one is the greatest and which one is the smallest? आ जाओ, हाँ, be ready. अपनी अपनी कॉपी खोल लीजिए. Yes. Now, 92, 392, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 4, 2. जरा इसको पढ़ लें, जरा पढ़ लें. इसको बोलेंगे 90, 92. इसको बोलेंगे 392. देन दिस वन इज 4456. आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ जरा, नहीं तो मैं बताता हूँ. आप लोगों ने ये पढ़े थे सब टेंस और वंस का, ये आप लोगों ने पढ़ा ना. सबसे पहले जो लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, 1, और उसके पास में होता है उसको 10, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है. यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया फिफ्थ क्लास में. अब आ रहे हो आप सिक्स में, तो हम पढ़ने वाले हैं बड़ा बड़ा डिजिट. अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा 1, आपने पढ़ा 10 तक पढ़ा, फिर 100 भी पढ़ लिया, फिर 1000 पढ़ लिया, 30,000 पढ़ लिया. अब अपन पढ़ने वाले इसके आगे का 10,000, लेख, 10 लेख, करोड़, 10 करोड़, उसके आगे अरब, उसके आगे 10 अरब, उसके भी आगे खरब. अभी सब पढ़ने वाले. और इंडिया, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, अपन करोड़ और लेख में बात करते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना उसमें वो लेख और करोड़ नहीं बोलते हैं, पता है, उसमें क्या बोलते हैं, मिलियंस, हाँ बिलियंस. तो अभी अपन सारा कुछ सीखेंगे आज, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रैक्टिस करते हुए पढ़ेंगे. ओके, तो चलो सबसे पहले मैं ये बड़ा बता रहा था आपको कि ये क्या हो गया, 4456. और ये क्या है, 89,000. क्या ये 89,742. अभी अपन इसको प्लेस वैल्यू अगर आपको बताएंगे ना, आपने पढ़ा हुआ तो है, जरा अपन पढ़ लें क्या वापस.
पढ़ लें क्या, बताओ? हाँ बताओ, ये सबसे पहले क्या है? वंस, ये क्या है? टेन, ये क्या है? हंड्रेड, दिस इज थाउजेंड एंड दिस इज टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड। तो इसको क्या बोलेंगे? 89,000, जरा लिख लो, 89,742। अभी अपन इसको लिखना भी सीखेंगे, और जो अगर वर्ड्स में कोई है उसको वापस फिगर्स में भी लिखना सीखेंगे। अब इश्यू ये आता है, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा तो ये है, और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ये है, 92। ये तो इजी है, क्योंकि जो जिसका नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होता है ना, वो बड़ा होता है, और जिसका नंबर ऑफ डिजिट्स छोटा होता है, वो छोटा होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये सारे डिजिट हैं, और इसमें जरा बता दो कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट। यस, जरा पढ़ के बताओगे? यस, बी रेडी। हाँ, यहाँ आ जाओ फटाफट। 1902 को क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले पढ़ना लिखना सीखो। 1902, जरा लिखना सीख लो। देखिन सेकेंड वन, 1920 आ गया, वहां तो 02 था इसलिए हमने पढ़ा 2। अब लेकिन ये क्या है भैया, ये क्या है? तो इसको पढ़ेंगे 9201। हाँ, लिखना सीखो, जरा अच्छी चीज है ये, इसको जरा पढ़ के बताओ। तो 9021, हाँ, एंड ये जरा पढ़ लो, 9210। अब ये बताओ विच वन इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी वाला बड़ा न्यूमेरल्स कौन सा है, सबसे बड़ा बताइए। तो सबसे बड़ा हमारे पास आएगा, कौन सा वाला आएगा? दिस वन, 9210। सबसे छोटा 1902। कैसे मालूम चला भैया, जरा बताओ कैसे निकालोगे जरा बताओ यहाँ पर। बताइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जब डिजिट्स को कंपेयर करते हैं ना, तो सबसे पहले लास्ट अपन क्या करते हैं, सबसे बड़े यानी कि सबसे बड़ा डिजिट निकालना है। तो सबसे बड़े देखते हैं, फर्स्ट वाला, तो सब नाइन कहाँ है? यहाँ नाइन है, यहाँ नाइन है, यहाँ नाइन है, तो ये तीनों में तो बराबर है, तीन बड़े। अब इन तीनों में कौन बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट पकड़े, यहाँ भी टू है, यहाँ जीरो है, यहाँ टू है, तो इन दोनों, अब कौन कौन बचा, 9201, 9210, इन दोनों में कौन बड़ा भैया? तो जरा हम तीसरे डिजिट पे जाएंगे, ये वाले तीसरे डिजिट, तो तीसरे डिजिट पे हम जब जाएंगे तो यहां तो है जीरो, यहां पर है वन, तो कौन सा बड़ा हो गया? दिस वन इज द ग्रेटेस्ट, कौन सा बड़ा हो गया? 9210। और स्मॉलेस्ट कैसे निकालोगे? स्मॉलेस्ट जब आप निकालोगे तो यहां पे सबसे स्मॉल डिजिट पे जाओगे, तो ये भी स्मॉल डिजिट है और ये भी स्मॉल डिजिट है, कौन सा है? 1902 और 1920। अब इन दोनों में कौन छोटा है पता लगाना है, तो यहां हम देख रहे हैं ये सेम है, नाइन भी सेम है, यहां टू है, यहां जीरो है, तो छोटा कौन हुआ? 1902। अब जरा निकालना सीख गए आप? कभी भी आपको अगर मैं ग्रेटेस्ट फिगर बोलूं और स्मॉलेस्ट फिगर बोलूं तो निकाल पाओगे क्या? आ जाओ, यस बी रेडी फटाफट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी। 382 4972 18 5 9 7 8 5 एंड 7 5 0, आंसर दिया हुआ है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है दिस वन, 59,785, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 18।
डिजिट्स की बात है, जिसके ज्यादा डिजिट वो बड़ा, जिसके छोटे कम डिजिट वो छोटा। आ गया, जरा अगला करो। यस ट्राई। 1473 1473 89423 89423, ये आके 100, this is 5000, this is 310। बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? तो हमको साफ मालूम है सबसे बड़ा तो है, क्या है, 89423, और सबसे छोटा कौन है, 100। आ गया। आजा जरा अगला करो। 1834 75284 111 2333 और 450। जरा इसको बोल के सीखें, बोले तो ये होगा 1000, ये हो गया 1834, दिस वन इज 75284, दिस इज 111, दिस इज 2333 एंड दिस वन इज 450। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? तो हमको मालूम है 75284 सबसे बड़ा है, और स्मॉलेस्ट वन इज 111। आ गया। यस, अगला करो। यस 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 यस, बी रेडी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वन जल्दी से बताएंगे। हाँ तो फोर्थ वन, 2853 2000 7691 9999 और 1200 2 और 124। वाह, विच वन इज द ग्रेटेस्ट बताइए? 1200 2 सबसे बड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5, 5, और 124 सबसे छोटा। सीख लिया? और कुछ करोगे? अच्छा, घर पे प्रैक्टिस करोगे? तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना सीख लिया। चल और देखते हैं। We just looked at the numbers of digits and found the answer. The greatest number has the most thousands and smallest is the only in hundreds or tens. Bada hota hai wo 1000, 10,000 bada. Wo chota wala number of digits bhi kam. Now, can we compare 4875 and 3542? Jara nikalo isko, kaise compare karoge? Kaun bada hai, kaun chota hai? Jara kholo apni apni copies. निकालो। यस, एक तो है अपने पास, यस 4875, दूसरा कौन सा है, 3542। बताइए जरा कौन बड़ा है कौन छोटा है? साफ दिख रहा है सर, 4000 बड़ा हुआ ना, ये तो 3000 वाला है ना, तो 4875 ये क्या है, 3542। लिखना सीखोगे? लिखोगे अपने आप। एंड विच वन इज द बिगर, 4875। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट है ना, कौन सी, ये वाली डिजिट, ये क्या है, बड़ी है। किससे बड़ी है? इससे बड़ी है। तो ये जरा हमको मालूम चल गया, जो फर्स्ट नंबर की जो डिजिट है, यानी 1000 वाली या 10,000 वाली, वो जब बड़ी होती है ना, तो वो डिजिट जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। जरा और क्या बता रखा है? अगर हमें कोई कहेगा कि आपको कंपेयर करना है 4875 और 4542 में, तो बताओ कौन बड़ा है? बताओ जरा, 4875 एंड 4542। देखो यहां पर 4 सेम है, यहाँ पर भी 4 सेम है, लेकिन ये 8 जो है ना, 8 ये बड़ा हुआ, बड़ा है कि नहीं? तो कौन बड़ा हुआ? 4875 बड़ा है, 4542 छोटा है। यहाँ भी आपने कर लिया। तो हमको छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है, ये वाली। इस वाली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है,
ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है। जरा जल्दी जल्दी निकालो। यस, आ जाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 3, 6, 4, 8, 9, 2, 4, 3, 7, 0, 4, 4, 5, 2, विच वन इज द ग्रेटेस्ट? जल्दी बताएंगे। ये ग्रेटेस्ट हुआ क्यों? क्योंकि ये इसमें 4 के बाद 8 आता है, 9, 2, तो 8 आने की वजह से ये हो गया सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा दिखाइए जरा, ये 3 आया, ये सबसे छोटा दिख रहा है, तो दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। ये 4, 3, 7, 0 स्मॉलेस्ट। करो जरा, 4 के बाद जो सेकंड डिजिट है वो सबसे बड़ी जिसकी है वो तो हो गया ग्रेटेस्ट, और जिसकी सबसे छोटी है वो हो गया स्मॉलेस्ट। तो जरा आपने ये कर लिया। नंबर 2 पे आ जाइए। 15,623, 15,073, 15,073, 15,189 and 15,800। बड़ा कौन है बताइए जल्दी से? 1 सेम है, 5 सेम है, अब बताइए नंबर इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये वाला। तो सबसे बड़ा कौन हुआ ग्रेटेस्ट? 15,800। और सबसे छोटा कौन हुआ? दिस वन, 15,073। आ गया, इजी है ना? हाँ, अगला करोगे अपने आप? करो जरा, ट्राई करो जल्दी। आपके सामने 25,286, 25,245, 25,270 and 25,210, which one is the biggest? देखो यहाँ पर 2 सेम है, यहाँ पर 5 सेम है, और थर्ड डिजिट भी सेम है भैया। जो 1000 वाली डिजिट है वो भी सेम है। अब 100 वाली डिजिट पे आ जाओ तो सबसे बड़ी हमारे 8 है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? दिस वन इज द ग्रेटेस्ट, 225,286। ये तो हुआ ग्रेटेस्ट, और सबसे छोटा ये हुआ 25,210। आ गया, आ गया। जरा फोर्थ नंबर भी कर लो, बहुत इजी है। सबसे छोटा तो दिख ही रहा है हमको, सबसे छोटा तो यही है, क्योंकि बाकी सब तो 5 डिजिट वाले हैं, ये 4 डिजिट वाला है, तो सबसे छोटा तो ये हो गया। लेकिन सबसे बड़ा निकालना है तो यहाँ पर तो 2 आ रहा है, पहले में सब 2 है, यहाँ पर 4 है, 4 है, 3 है, तो 4 बड़ा हुआ, लेकिन 4 भी 2 है। अब इन दोनों में हमको कंपेयर करना है, तो इसमें बड़ा कौन हुआ? ये आ गया। तो बिगेस्ट वन इज 24,659। ये आपके सामने आ गया इसका आंसर। अब जरा वापस बुक की ओर आ जाइए। बुक की ओर आ जाइए। इफ द डिजिट्स एट 100 प्लेस आर ऑल्सो सेम देन द टू नंबर देन व्हाट वी डू विल डू। तो कंपेयर 4875 एंड 4889, ऑल्सो कंपेयर दिस। अब आपके सामने मैंने 2 फिगर और रख दिए हैं, 2 न्यूमेरल्स और रख दिए हैं। अब जरा इन दोनों इनको भी कंपेयर कर लो, ये तो बहुत इजी है। यस, 4875 और 4889, 4 भी सेम है, 8 भी सेम है, यहाँ 8 बड़ा हुआ है, तो बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ, ये 4889 इज द बिगर वन और स्मॉलर वन इज 4875। ओके, अब जरा ये तो तुम कर ही लोगे, 4 भी सेम है, 8 भी सेम है, 7 भी सेम है, अब बताओ ये 9 बड़ा हुआ, तो दिस वन इज द बिगर वन, 4879। ये हमारे इसका ये बिगर वन हुआ। तो आपने क्या क्या सीख लिया? ये है बिगर वन, और यहां पर कौन बड़ा था? ये था।
तो आप सबसे पहले आप क्या सीख गए, अभी आपने सीख लिया कि कौन सा डिजिट बड़ा होता है, कौन सा डिजिट छोटा होता है, उसको आप निकाल सकते हो। जरा बताओ कैसे निकालोगे। तो पहला फॉर्मूला तो क्या था, मैंने आपको बताया, जरा नोट डाउन कर लो सब बच्चे। यस, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए गिवन नंबर आर इक्वल, देन द डिजिट्स एट द हाईएस्ट प्लेस आर कंपेयर्ड, द नंबर हैविंग द ग्रेटर डिजिट एट द हाईएस्ट प्लेस इज ग्रेटर। जब दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स में सेम होता है तो हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट है उसको कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम नहीं है तो जिसके ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट है वो बड़ा होगा। ठीक है, ये सब पढ़ लिया। अब आ जाओ जरा आगे, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। अब जरा अपन कुछ छोटा अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं। अभी मान लिया ये बोल रहा है कि फोर डिजिट दिया है, कौन सा फोर डिजिट दिया है, 7835, और इनसे हमको कितने डिजिट बना सकते हैं बताओ। हाँ, 7, 7, 8, 3 और 5, इनसे अपन को कितने अपन न्यूमेरल्स बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, और उसमें अपन को बताना है सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। करोगे? हाँ, यस। आ जाओ जरा इधर। 7, 8, 7, 8, 3, 5 अपन बड़ा बड़ा बनाते। सबसे पहले तो अपन ने 8 को अपनी फर्स्ट पे जगह रखा, 7 को सेकंड जगह रखा, फिर एक बार लगा 3 और 5, एक बार लग गया 5, 3 बना दिया। फिर वापस 8 को कांस्टेंट रखा, यहां पर 5 ले आए, फिर 7, 3 और 3, 7 में अल्टरनेट कर दिया। फिर 8 को कांस्टेंट रखा और 3 को नंबर 2 पे ले आए, एंड देन 5, 7 और 7, 5 ये अल्टरनेट कर लिया। तो ऐसे अपन नंबर ऑफ डिजिट बना सक रहे हैं। अब उस ऐसा का ऐसा काम जो आपने यहाँ किया, ऐसा का ऐसा काम आप यहाँ भी करें। जरा 7 को नंबर 1 पे ले आए, ये लाए आप 7 को नंबर 1 पे, फिर उसके बाद एक बार 8 को नंबर नंबर 2 पे रख लिया, फिर 5, 3 और 3, 5 में आपस में इंटरचेंज कर लिया, दो डिजिट बन गए। फिर एक बार 5 को ले आए, फिर ऐसा कर लिया, एक बार 3 को ले आए, फिर ऐसा कर लिया। तो अपन कितने डिजिट बना जा रहे हैं, अपन ये 6 डिजिट, 6 फिगर बन गए, यहाँ पर 6 न्यूमेरिकल ये बन गए न्यूमेरल्स, और ये वापस 5 को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है। फिर एक बार 8 को रखा, ये इंटरचेंज किया, ऐसे आप बनाना खुद। तो ये मैंने आपके सामने बना रखे हैं। तो इस प्रकार से आपने कितने बनाए, 6, 6, 6, 6, 6 × 4, 24 डिजिट अपन ने बना लिए। अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है भैया, सबसे बड़ा बताओ, विच वन इज द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट आप जब आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, ये सबसे बड़ा हुआ कैसे हुआ, और सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये हुआ कैसे हुआ। अब जरा देखो इधर, हाँ, विच वन इज द हाईएस्ट, इधर देखो जरा, 8, 7, 5, 3, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे 1000 में सबसे बड़ा रखो, फिर 100 में सबसे बड़ा रखो, फिर 10th में सबसे बड़ा रखो, और सबसे लास्ट में रख दो 1 वाले को। तो ये तो हो गया, क्या हो गया, ये बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट निकालो जरा, उल्टा कर दो, 3, 5, 7, 8, क्योंकि सबसे जो है ना वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, 1000 की ज्यादा होती है, तो 1000 पे सबसे छोटा रख दिया, फिर 100 पे उससे थोड़ा बड़ा रख दिया, फिर 10th पे उससे बड़ा रख दिया, और 1 की वैल्यू तो बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि वो तो लास्ट है, तो ये यहां रख दिया। ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट। तो जरा हम कभी किसी नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपको दे रखा होगा तो उसमें आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट बनाना है, ये भी हमको सीखना है। सीख गए? अब आ जाओ जरा एक्सरसाइज कर लेते हैं। यस यस यस, डू द एक्सरसाइज।
Use the different digits without repetition. Make the greatest and smallest 4-digit number. हाँ, ये एक्सरसाइज है, आपके सामने दे रखा है 2874, सबसे बड़ा, फिर उसमें छोटा निकालना है, ये निकालना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, ये पांचों आपको करने हैं, सबसे बड़ा बनाना है और सबसे छोटा बनाना है, बनाओ। और इसमें एक बहुत काम की चीज आएगी, क्या काम की चीज आएगी, जब इसका नंबर आएगा ना ये हाँ, तो इसमें एक बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी अपने को, क्योंकि कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट नहीं होती। एक चीज अपन सीखेंगे, क्या सीखेंगे अभी अपन, कि यहां अगर अपन लिखेंगे 0574 अगर अपन लिखते हैं ना, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जीरो अगर स्टार्ट में है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीरो अगर एंड में है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जरा वापस से आ जाओ, यस हाँ, 2874 में सबसे बड़ा बताओ, 2874 में बिगेस्ट निकालो जरा, 8742 स्मॉलेस्ट, 2478 निकाल लोगे। नंबर दो पे आ जाओ जरा, इस पे 9741, हाँ सबसे बड़ा 9741, स्मॉलेस्ट 1479। ये तो इजी है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने लगा लिया। लेकिन अब आता है अगला क्वेश्चन, ये वाला, अब आता है ये, और इसको जरा बताओ सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, 7540 बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट 4, 0, 5 and 7। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, अगर आप ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर है, 4, 0 बीच में लगा दिया नंबर दो पे, नंबर थ्री पे 5 और नंबर फोर पे 7 लिख दिया, तो ये अपना स्मॉलेस्ट फिगर आ गया। ठीक है, जरा अगला करो, वन एट सेवन सिक्स, तो क्या करोगे, 7621 ग्रेटेस्ट, छोटा 1, 2, 6 और 7 स्मॉलेस्ट निकाल लिया। जरा लास्ट वाले को बताओ, बिगेस्ट 5430 एंड स्मॉलेस्ट, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, 3045। तो अभी अभी आपने ये और सीख लिया कि कभी भी आपको डिजिट दिए हुए हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बना सकते हो। बना लिया, इजी है, अच्छा लगा। अब जरा और आगे करते हैं, और आगे कर लेते हैं, हाँ अब आ जाओ ये कुछ कह रहा है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है, लेकिन क्या करना है, किसी भी डिजिट को दो बार यूज करना है। 3 डिजिट आपको दे रखे हैं, 4 डिजिट का आपको न्यूमेरल बनाना है, उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाना है। जरा बताओ पहले वाले का क्या करोगे, दो बार लिखना है तो 8873 सबसे बड़ा है ना भाई, ग्रेटेस्ट बनाना है तो बड़े वाले को रिपीट कर देंगे, तो ग्रेटेस्ट हो गया, और स्मॉलेस्ट के लिए छोटे वाले को रिपीट कर देंगे 7, 8, ये हो गया बिगेस्ट, दूसरा हो गया स्मॉलेस्ट। जरा इसको करो, 9950 सबसे बड़ा, और छोटा के लिए क्या करोगे, तो यह करना है 5 को 0 से स्टार्ट कर नहीं सकते, तो 5 के बाद 0 को रिपीट कर देंगे और यह आ गया सबसे छोटा। कर लोगे ना, अब तो होशियार हो गए आप लोग, इंटरेस्ट आया आपको। यस, थर्ड वन करो, 9940 ये वाला,
और इसी को छोटा बनाएंगे तो 4009 कर लोगे। एंड फोर्थ वन जरा करो बेटा, 851 को करो। हाँ करो 851 को, यहाँ करूँ मैं आपके सामने, यहाँ करता हूँ। तो सबसे बड़ा 8851, सबसे छोटा 1158। तो अभी अभी आपने ये भी सीख लिया, कर लोगे ना? अच्छा मजा आया, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है? आ रहा है ना इंटरेस्ट? जरा इसको मैं साफ कर दूँ आपके लिए, आप नोट डाउन कर लें, आप नोट कर लें इसको, फिर उसके बाद मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको पेपर एकदम साफ दिखना चाहिए ना, तो आपको अच्छा लगेगा। ओके नोट डाउन कर लिया? नहीं तो आप जब वीडियो क्या करोगे, जब वीडियो में आपको नोट डाउन करना है तो क्या करोगे, पॉज कर दोगे, पॉज करके पूरा अपना नोट डाउन कर लोगे, नोट डाउन करने के बाद आगे बढ़ जाओगे। यस मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट। अब मान लिया एक कंडीशन दबाइए, बताइए कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट द वंस प्लेस। एक सात को, 7 को आपको वन प्लेस पे रखना है, वंस प्लेस पे रखना है और ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, ग्रेटेस्ट फिगर बनाना है। तो तरीका क्या हो गया, 9, 8, 7, 6 और 7, तो सात को आपको वहीं रखना है वंस पे, और छोटा बनाना है तो ये बना 1 सबसे लिया, फिर 0 ले लिया, 2 और 7, क्यों 7 तो फिक्स है, 0 को बीच में डाल दिया, 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब जरा अगला आप बताओ। हाँ फोर डिजिट में यहां पर मान लिया, जरा मैं इसको साफ कर देता हूं। यस हाँ फोर यहां पर आपकी सेकंड वाले पोजीशन पर टेंस पे है। अब आपको ग्रेटेस्ट फिगर बनाना है तो क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे 9, उसके बाद क्या लिखोगे 8, फिर 4 तो यहाँ फिक्स है, फिर लिखोगे 7, ये बन गया ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा लाओ 1, 0 और यहाँ लिख दोगे 2। हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया, इजी है। अच्छा अगर 9 को 100 की जगह फिक्स रखना है और ग्रेटेस्ट फिगर बनाना तो क्या करोगे बताओ, यहाँ लिख दिया 8, फिर 9 तो फिक्स है, फिर 7 और यहाँ लिख दिया 6, सबसे बड़ा आ गया। सबसे छोटा लाओ 1, 9 फिक्स है, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 2, आ गया। अब आ जाओ यहाँ पर ग्रेटेस्ट, जहाँ पे 1 8000 प्लेस है, 1 के बाद लिखोगे 9 8 7, ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा 0 2 3। वन जीरो टू थ्री, ये आपका स्मॉलेस्ट आ गया और ये अपन ने सीख लिया। तो अभी अपन ने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना भी सीख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ क्या लिखा है जरा पढ़ो, टेक टू डिजिट 2 और 3, मान लिया 2 डिजिट है 2 और 3, उससे अपने को बनाना है 4 डिजिट नंबर का बनाना है न्यूमेरल। तो ग्रेटेस्ट बनाओ जरा, 2 और 3 को 2 बार यूज करके 4 डिजिट का आपको कोई न्यूमेरल बनाना है। सबसे बड़ा क्या बनेगा, 3 3 2 2 और स्मॉलेस्ट बनेगा 2 2 3 3, है ना? क्योंकि 1000 प्लेस पे सबसे छोटा रखोगे, 100 प्लेस पे भी छोटा रखोगे, 10 प्लेस पे थोड़ा बड़ा, 1 प्लेस पे बड़ा, तो ये अपने को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 3322, इसको पढ़ेंगे 2233, लिखना भी आपको सीखना है बेटा। अब जरा अपन पढ़ने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब पढ़ने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब समझते होंगे आप, तो बहुत आपने फोर्थ फिफ्थ में तो बहुत सारी एक्सरसाइज की होगी। असेंडिंग मतलब होता है चढ़ना, है पहाड़ पे चढ़ रहे, उसको क्या बोलते हैं,
ascending, और मान लिया उतर रहे हैं, डाउन पे जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। तो ascending मतलब नीचे से, लोएस्ट से स्टार्ट करके ग्रेटेस्ट पे जाना, ascending, एंड ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करके लोएस्ट पे जाना descending। जरा आ जाओ, ये आपके सामने चार बच्चे हैं, हैं? ये आपके सामने चार बच्चे हैं। जो एक राम हरी है उसका जो लेंथ है ना वो है 160, क्या है 160 सेंटीमीटर। डॉली का है 154, मोहन का 158 और शशि का है 159। तो सबसे बड़ा कौन हुआ भैया? हाँ, सबसे बड़ा कौन हुआ? राम हरी। सबसे छोटी कौन है भैया? डॉली। तो जरा डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो कैसे लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे बताओ जरा? सबसे पहले लिखोगे आप डॉली को, क्योंकि छोटी है, 154। उसके बाद आएगा मोहन 158, उसके बाद आएगी शशि 159, उसके बाद आएगा रामहरि 160। तो ये क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में करना है तो उल्टा करेंगे, सबसे बड़ा पहले 160 पर रामहरि, उसके बाद कौन आएगा? शशि 159, उसके बाद मोहन 158 और सबसे छोटी है डॉली। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इजी है। चलो, अब ये आपके सामने अलमीरा रखी हुई है। क्या ये अलमीरा है? और इन अलमीरा का रेट लिखा हुआ है। वापस वही काम करो, सबसे बड़ी अलमारी का प्राइस वाले को सबसे पहले डिसेंडिंग और असेंडिंग बताओ, और हाईएस्ट कौन सा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। हाँ, चलो, बिगेस्ट वन जल्दी बताओ। बिगेस्ट वन 26 है, ये 28, सबसे बड़ा ये हुई, सबसे बिगेस्ट कौन सी हुई? 3975। और सबसे छोटा जिसका कम प्राइस कौन है? 1788। तो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो मॉल, अब बताओ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो जरा। चलो जल्दी लिखो, इसी को लिखो, किसमें? असेंडिंग। असेंडिंग यानी सबसे छोटा पहले आएगा, तो 1788, उसके बाद बोलिए 1897, उसके बाद 2635, उसके बाद 2854, क्योंकि 6 से बड़ा 8 है, 8 है, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आएगा 3975। ये अपना हुआ असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले बड़े को रखोगे और फिर सबसे लास्ट में छोटे को रखोगे। तो जरा डेफिनेशन लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये आपको आ गया, जरा एक्सरसाइज कर लो फटाफट। यस ऑल स्टूडेंट्स, वेरी इंटेलिजेंट। दिस वन अरेंज असेंडिंग में, फटाफट अरेंज करो इनको असेंडिंग ऑर्डर्स, असेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करिए। मैं करूं कि आप कर चुके हो? यस, सबसे छोटा असेंडिंग करना है, सबसे छोटा 571, उसके बाद 847, उसके बाद 8320 और सबसे बड़ा 9754। असेंडिंग ऑर्डर, जरा इसको निकालिए। सबसे छोटा कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट इज 9801, उसके बाद बताइए, देखो यहाँ 2 है तो 25751। अब आ जाओ, ये भी 36 से, ये 38, तो सबसे इससे छोटा क्या हुआ? 36501, और ये सबसे बड़ा 38802। ये आपके सामने मैंने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब जरा डिसेंडिंग भी बता दो, नीचे वाली एक्सरसाइज कर लो, डिसेंडिंग में इनको रखो।
करना अपने आप करोगे, इन इन चारों को डिसेंडिंग और इनको भी डिसेंडिंग करो। डिसेंडिंग में सबसे पहले कौन आएगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। आ जाओ जरा यहाँ पर करें कि अलग पेज पे करें, अलग पेज पे कर लेते हैं। यस, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर टू का पहला ए, सॉरी बी, ए एस डिसेंडिंग का सबसे बड़ा 85,400 सबसे बड़ा। उसके बाद बताइए 7861 देन 7500 देन 5000। ये आपका मैंने रखा डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, बिगेस्ट वन इज 88,715। उससे छोटा, ओहो गलत हो गया, देखो ये गलती मैंने कर दी, आप गलती नहीं करोगे। सबसे बड़ा है 92,547 नंबर दो पे है, 88,715 नंबर थ्री पे है, 45,321 एंड स्मॉलेस्ट इज 1971। ये आज हमने पढ़ लिया असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। अभी अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ लिया, उसके बाद आपने पढ़ लिया कितने डिजिट्स बना सकते हो, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बना सकते हो वो पढ़ लिया, एंड यू कैन कंपेयर बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, ये आपने पढ़ लिया। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ये सब ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, किसी भी डिजिट से आपको ग्रेटेस्ट बनाना और स्मॉलेस्ट बनाना, फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में आप अपन बहुत उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, कैसे डिजिट्स से ये पढ़ने वाले, देखो ये क्या है, दिस वन शिफ्टिंग डिजिट्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे 10,000 के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे उससे भी आगे 10,000, फिर लेख, फिर 10 lakhs, फिर करोड़, फिर 10 crore, अरब, और फिर अपन पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, मिलियन बिलियन वो सब पढ़ेंगे। फिर हम उसको बड़ी बड़ी जो न्यूमेरल्स होगी राइट, उनको लिखना सीखेंगे, कितनी भी बड़ी डिजिट आप लिख पाओगे, तो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, सो बी रेडी, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, हाँ तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, और घबराना नहीं है, डू द प्रैक्टिस एंड लिख कर, है ना, लिख कर उसको प्रैक्टिस करना है। ओके okay.